गुड इवनिंग हिमाचल। सोलन जिला के किसानों की फसलों पर कोहरे का साया पड़ रहा है। पहले बारिश न होने से किसानों की फसल में पानी की कमी हो रही थी, परंतु अब बारिश होने के बाद कोहरे के कारण फसल खराब होने लगी है। नोनी के किसानों ने बताया कि कोहरे के कारण उनकी फसल खराब हो रही है। यही नहीं, पानी की पाइपों में भी पानी जम जाता है, जिससे उन्हें उनकी फसल तैयार ना हो पाने का डर सता रहा है। सर नमस्कार। पहले बारिश ना होने से हमारी फसल सूख गई सारी। नीचे मैंने बीन बून थे लगाए हुए, बड़ी मुश्किल से जो पानी से उससे हुए हरे, और ये अब कोहरा पड़ने की वजह से देखो मेरी सारी गोभी की बहुत सारी खराब हो गई। इस कोहरे से पाइपें पुइपें सब जाम हुई हुई इधर खेत में। पौंटा साहिब की एक दवा उद्योग में श्रमिकों के शोषण का मामला सामने आया है। यहाँ श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है, छुट्टियों का वेतन काटा जा रहा है और कोरोना काल में भी श्रमिकों को कोई मानदेय नहीं दिया गया। बार बार मांग करने के बाद मामला नहीं सुलझा। अब श्रमिक फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दवा उद्योग के बाहर जमा ये श्रमिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उद्योग में इनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है और वेतन 8 घंटे के हिसाब से दिया जाता है। यही नहीं, श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि पीएफ सरकारी वेतन के हिसाब से काटा जा रहा है। इतने दिन हो गए हमें, 2-3 साल तो होने वाले हैं। पिछले साल लॉकडाउन था, कुछ नहीं मिला, आज तक भी एक छुट्टी भी नहीं दी हमें। बताओ क्या करें हम। दीपावली की 1-2 छुट्टियां थी, वो भी नहीं मिल रही हमें ना, तो अब तक फैलरी बड़ी है हमारी। आज बैठे हैं, अब गेट बाहर निकाल दिया कंपनी वालों ने, कहने लगा कहीं और चल जाओ। मेरा सैलरी 7500-8200 पीएफ काट रहा है। 7500 सैलरी दे रहे हैं, 8200 रेट है हर जगह। अब कोई ओटी मिल रहा ना, हमारे को संडे देता और हमारी सैलरी खाई जा रही है। ठीक है, और ठेकेदारी यूँ बोल रहा, मेरे को मालिक नहीं दे रहा, मैं तब तक कुछ और नहीं कर सकता, और ना हमारे को संडे मिलता। 4 साल हो गए, कोई वो नहीं है हमारे, ना हमारे को सरकारी छुट्टियाँ। 8200 के हिसाब से कट रहा और सैलरी 7500 दे रहे। लॉकडाउन में सैलरी मिली आपको? नहीं मिली, कुछ नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं, ना लॉकडाउन के 5 दिन के दिए, ना कुछ नहीं दिया इन्होंने अभी तक। ठीक है, 3B हेल्थ केयर सर, हम लोगों को ना संडे मिल रहा है, ना हमें सैलरी बढ़ा कर मिल रही है, और हमारे सर ना त्योहार के पैसे मिलते हैं सर हम लोगों को। 82 के हिसाब से कट रहा है सर, 82 के 75 से सैलरी मिल रही है सर हमें। हाँ जी। सुंदरनगर आजादी के बाद केंद्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बात यहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव वीरेंद्र ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियत और नीति किसानों और कृषि के हित में रही है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के करीब है। कुछ राजनीतिक पार्टी निजी स्वार्थ और राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे भाजपा किसान मोर्चा कभी भी सफल नहीं होने देगा। परवाणु वासियों को कल बस स्टैंड का तोहफा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर ने बुधवार को बस अड्डा प्रबंधन अथॉरिटी हिमुडा, लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, BSNL, IPH विभाग के अधिकारियों सहित तहसीलदार कसौली के साथ तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल की अगुवाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बस स्टैंड का निर्माण बस अड्डा प्रबंधन अथॉरिटी की देखरेख में 2.45 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 1 वर्ष में तैयार हुआ है। परवाणु की जनता के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अब कल हमारे इस बस स्टैंड का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। इसका शिलान्यास माननीय धूमल जी ने किया था, परंतु बीच में जब सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस प्रोजेक्ट को आज संपन्न किया है, कम्प्लीट हो गया है और कल इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन होने वाला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार का परवाणु की जनता की ओर से, और बधाई देती हूँ परवाणु की जनता को कि आप उनका एक बस स्टैंड जो है, जो बहुत सालों से एक जद्दोजहद के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, जयराम सरकार का। भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर वॉर मेमोरियल धर्मशाला में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की। इस दौरान शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई।
उनके साथ एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन सहित शहीद स्मारक समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। रिटायर्ड जनरल मेजर कुलवंत सिंह ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान के 93,000 कैदियों को बंधक बनाया था। हमें आज के समय में पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी सावधान रहने की जरूरत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। जोगिंदरनगर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों 8 एचएएस अधिकारी रेवेन्यू की बारीकियां सीख रहे हैं। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में 8 एचएएस तथा 3 बी क्लास नायब तहसीलदार प्रशिक्षण ले रहे हैं। संस्थान से अधिकारी ने बताया है कि कोरोना को नजर में रखते हुए सैनिटाइजेशन की सुविधा के साथ प्रशिक्षुओं की रोजाना थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। यहां आए एचएएस अधिकारियों ने बताया कि संस्थान की ओर से उन्हें पूर्ण तरीके से रेवेन्यू की बारीकियों को समझाया जा रहा है तथा प्रैक्टिकल तरीके से भी बारीकियों को समझाया जा रहा है।